आज बहुत बहुत स्वागत है, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच। आज एक्टिविटी की तरफ से आज एक प्रेजेंट प्रोग्राम किया गया है जिसके रूप में और जिस तरह से इसके ऑर्गेनाइजेशन हैं निखिल। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा सा यू श्योर ओके फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम वेरी ग्रेटफुल बिकॉज मैं यहाँ पे आई हूँ एक्टर बडीज जो कि जिनके साथ मैं काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ। अब हम लोग फ़ोटोशूट्स कर रहे हैं टुगेदर पंजाब में और आगे भी बहुत सारा काम है जो हम कर रहे हैं। सो अच्छा लग रहा है यहाँ पे आगे बिकॉज मैंने बहुत सारा टैलेंट देख रही हूँ, बहुत सारे लोग टैलेंट जो एक्ट कर रहे हैं एक्टिंग को लेकर सिंगिंग को लेकर। सो इट्स बीन अ ग्रेट प्लेजर एंड साथ में कि एक बहुत अच्छी एनजीओ के साथ कोलैबोरेटेड है। सो एक प्लस इसका ये है कि हम लोग भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड अब्यूज और मोलेस्टेशन। सो वी ऑलवेज हैव स्कैसर एक्टिविटीज विद इट। सो अच्छी बात है कि हम इसका पार्ट हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। ओके सो अच्छी बात है इसमें। एक्चुअली मैंने देखा है कि इसमें एज ग्रुप का कुछ नहीं है, यहाँ पे हर कोई एज का वॉक कर सकते हैं। अभी फर्स्ट राउंड था जिसमें कि बहुत सारे बच्चे भी थे और यंग लोग थे एंड आई रिमेम्बर एक दादाजी थे जो कि वहाँ पे आए थे तो उन्होंने भी वॉक किया। सो किसी को एक प्लेटफॉर्म ऐसा देना और जहाँ पे आप खुल के अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। एक लाइफ टाइम में जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, आपके दिल में बहुत कुछ होता है तो आप नहीं कर पाते हो, बट यस जब आपको एक ऐसी स्टेज मिलती है तो अच्छा लगता है। इसमें लास्ट राउंड था जिसमें कि मदर अपने बेटे के साथ या बेटी के साथ वो वॉक कर रहे हैं लाइक मिसेस। सो यू नो हर घर संभालते हैं, वो पूरा काम करते हैं। अगर उनके लिए अलग से कुछ बनाया गया है जिनसे उनको इंटरेस्ट मिलता है और जिसको लाइफ में एक एक्साइटमेंट आते हैं, सो दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली गुड थिंग। उन महिलाओं को मैं सिर्फ ऐसा ही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से वो यू नो होम मिनिस्टर हैं, जिस तरीके से वो घर संभालती हैं, तो एक जो वुमेन है शी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको उससे कहीं ज़्यादा जितनी वो रिस्पेक्ट तो वो बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं, तो जितना रिस्पेक्ट प्यार और जितना ज़्यादा उनको हैप्पीनेस दे सकते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।